हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल नॉलेज में पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्पोर्ट्स के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट किया है। तो जितने भी स्टूडेंट पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड जिसको जनरल नॉलेज का बुक लेना है, तो सबसे बेस्ट बुक है लोसेंट का, तो आप लोग लूसेंट ले सकते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम आपका रहेगा तो उसमें काम आएगा। तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख के परचेज कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड। तो इसमें पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 6 अप्रैल 1980, तीसरा है 26 जनवरी 1950 एंड चौथा है अदर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 6 अप्रैल 1980। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। नेक्स्ट आपका, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी कैंडिडेट ऑफ लोकसभा। पहला ऑप्शन है 25 ईयर, दूसरा है 30 ईयर, तीसरा है 35 ईयर एंड चौथा ऑप्शन है 18 ईयर। तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए मिनिमम जो एज होता है वो होता है 25 साल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा। पहला ऑप्शन है 30 ईयर, दूसरा है 40, तीसरा है 35 एंड चौथा है अदर। तो जो राज्यसभा का जो उम्मीदवार होते हैं तो उसके लिए सबसे मिनिमम जो एज होती है 30 ईयर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग कब बनाया गया। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1950 और तीसरा है 1947, चौथा 1907। तो योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन, 1950 में बनाया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग, योजना आयोग का अभी जो न्यू नेम है नीति आयोग बोलते हैं इसको, योजना आयोग को ही चेंज करके नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, तो ये 2015 में बनाया गया, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। और योजना आयोग कब बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ, मतलब योजना आवेज आयोग को किसके थ्रू हटाया गया। द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई। पहला ऑप्शन है केंद्र आयोग, दूसरा मुखर्जी आयोग, तीसरा है नीति आयोग, चौथा अन्य। तो योजना आयोग नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि नीति आयोग कब बनाई गई। व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 और अदर। तो नीति आयोग जो बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ।
व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, एंड 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया गांधी जयंती के दिन पे, ठीक है। और एक किसने स्टार्ट कराया था? नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट कराया था स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। अगला है, निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया? व्हेन वाज निर्मल भारत अभियान फॉर्म्ड? पहला 2005 में, 1998 में, 1999 में और 1995 में। तो जो निर्मल भारत अभियान है 1999 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म? पहला ऑप्शन है सितंबर 1950, दूसरा अगस्त 1953, तीसरा है अगस्त 1952 एंड चौथा जनवरी 1899। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो अगस्त 1952 में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद अगस्त 1952 में बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? पहला ऑप्शन है दीवाना चमन लाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला है डब्ल्यू सी बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी का जो पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी को व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। 138 देखिए कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, फिर है गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुभाष चंद्र बोस। तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर द रोलेट एक्ट वाज पास्ड? पहला ऑप्शन 1951, फिर है 1819 और 1958। तो जो रोलेट एक्ट है वो 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका, 1919। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया? पहला ऑप्शन है खेड़ा में, दूसरा अहमदाबाद में, तीसरा चंपारण में एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? चंपारण में हुआ था सबसे पहले, चंपारण। चंपारण कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? वेन डिड द कांग्रेस स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा है 1950, तीसरा 1947 और चौथा 1942। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका, 1942। वन फोर्टी टू है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? हु सेड दैट स्वराज इज माई
ब्राइट राइट, माई बर्थ राइट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? हु सेड द स्वराज इज द माई बर्थ राइट, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक एंड लाला लाजपत राय एंड महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट आपका नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद गांधी जी ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह? जब नमक सत्याग्रह हो रहा था उस टाइम ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो गांधी जी के संपर्क में आए थे, मतलब उनसे जुड़ गए आके? तो पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो सरोजिनी नायडू राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। 144 देखिए कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब स्टार्ट किया गया था? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1914, तीसरा है 1917, चौथा 1947। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, व्हाट वाज द इंग्लिश मैगजीन वीकली एडिटेड बाय महात्मा गांधी? पहला ऑप्शन है केसरी, दूसरा है यंग इंडिया, तीसरा है केसरी, तीसरा भी दे दिया यहाँ पे कुछ और रखना चाहिए था, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है आपका यंग इंडिया है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यंग इंडिया। वन फोर्टी सिक्स देखिए, मेरे पास खून पसीना आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? आई हैव नथिंग टू गिव एक्सेप्ट ब्लड स्वीट एंड टीयर्स, हु सेड दिस? यह किसने कहा था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू देने के अलावा कुछ भी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है चर्चिल एंड चौथा है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो वर्ड है ये चर्चिल ने बोला था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, चर्चिल। अगला है फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडॉप्टेड। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड किप्स। तो फूट डालो राज्य करो का जो नीति था वो लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन। 148 देखिए कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी करके एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, कहाँ पे था? पहला ऑप्शन है मॉस्को में, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन में, तीसरा कराची में और चौथा है सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज बॉक्स में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।